ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ऑन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप वन, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो खट्टा हो कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी, इट डिपेंड ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, इनटू 10, 700 ग्राम्स और मोर ऑफ 3 to 4 kinds of fruits ऑफ योर चॉइस। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा भाई। नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठें 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें 4-4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें, और कितना खाना है इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट इज 350 ग्राम्स और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 3 to 4 kinds of वेजिटेबल, दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट, कितना खाना है जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा आप प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू फाइव। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1, 3 to 4 kinds of वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म, अबाउट योर बॉडी वेट इंटू 5, दैट मेनी ग्राम्स, एंड देन यू कैन ईट वेजिटेरियन मील विद लेस सॉल्ट एंड लेस ऑयल एज मच एज यू वॉन्ट, राइट। सो ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट। सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है? सिर्फ 2 ही चीज़ मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड, कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज़ जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज़ छोड़नी है। और हाँ, एक चीज़ और जोड़ लीजिए, रोज़ अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन, दैट बिकम्स योर स्टेप 3। If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप follow करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal, यानी कि you will be forced to stop the medication, you will be forced to taper the insulin. अगर आपने insulin कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state, and that itself is very dangerous. Within the first 7 days your blood pressure will start reducing, आपका blood pressure कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको blood pressure की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। Within 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाँफेंगे नहीं, पहले 3 बार रुकना पड़ता था तो आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो दैट विल हैपन विद इन द फर्स्ट 1 month, योर एंजाइना विल गो, योर हार्ट डिजीज विल गो, दैट एबनॉर्मल हार्ट साउंड विल ऑल्सो वैनिश, राइट। सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 1 month। विद इन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विद इन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन ए हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 steps। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट, हर एक में फायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है? मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है? आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है? अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन उसमें भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है, यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन
आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए यू यू कैन एन्जॉय द फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन इग्नोर दिस रूल्स एंड यू कैन ईट वॉट एवर लग्जरी फूड यू वॉन्ट टू ईट। लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन, वो और वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एन्जॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एन्जॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।